हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ओल्ड साड़ी से किस तरीके से नए नए ड्रेसेस बना करके उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ कलेक्शन बनाए हुए हैं, तो उन कलेक्शंस को मैं आपको दिखाऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि आप अपनी पुरानी साड़ियों को किस तरीके से रीयूज़ करें। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक ये साड़ी ली है, ये देखो आप, ये साड़ी से मैंने ड्रेस बनाया था। ये स्लीव्स हैं और ये पूरे फुल फ्लेयर में ये ड्रेस है, आप देख सकते हो, ये पूरे फुल फ्लेयर में ये लॉन्ग गाउन बनाया है मैंने। इसका मैंने फ्रंट नेक राउंड रखा हुआ है और बैक में नेक वी में रखा हुआ है। ये साड़ी किस तरह की दिखती है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये साड़ी का जो पूरा पल्ला था वो पूरा हैवी वर्क में दिया हुआ था, ये वर्क दिया हुआ था उस साड़ी पर, तो मैंने उस वर्क वाले हिस्से को फ्रंट में लगा दिया, इसका फ्रंट पार्ट बना दिया, और बाकी का जो नीचे घेर वाला हिस्सा होता है उसका मैंने ये प्लीट्स वाला स्कर्ट, जो इसके नीचे का हिस्सा है वो मैंने प्लीट्स वाले में बना दिया है, और ये पूरे फुल फ्लेयर में है, आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसमें से मैंने पल्ले वाले भाग में से ही मैंने इसकी स्लीव्स निकाली और जो घेर वाला हिस्सा था उसमें से मैंने उसकी फ्रिल निकाली है। तो ये मेरी कुछ इस तरह से आई है, पहनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। ये आप देखो, इसके साथ मैंने एक बेल्ट बनाया है जो यहाँ पे आप इसको पहनने के बाद इसके साथ मैरून कलर की चुन्नी अटैच होगी, उसके बाद यहाँ पर आप उसको बेल्ट लगा सकते हो। तो इसकी बेल्ट मैंने बनाई है ये देखो, इसके बचे हुए प्लेन पार्ट से मैंने ये बेल्ट बनाया है। जो कि काफ़ी सुंदर लगता है, ये यहाँ से आपके ऐसे आ जाएगा। तो ये ड्रेस मेरी तैयार हो गई। इसके इनर के लिए मैंने लाइनिंग जो है इसमें मैंने सैंटून की लगाई हुई है, आप चाहो तो इसमें कैनकेन भी अटैच करवा सकते हो, पर उन्हें कैनकेन नहीं चाहिए थी, ये जिस कस्टमर का है मेरा उन्हें कैनकेन नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसमें कैनकेन नहीं लगाई है। तो आपके पास अगर हैवी वर्क में साड़ी हो तो आप उससे इस तरह का गाउन बनवा सकते हो। मेरी दूसरी ड्रेस जो है वो मैंने एक हैवी वेलवेट के स्टॉल से निकाला हुआ है, तो वो वेलवेट का स्टॉल उनका काफ़ी पुराना हो गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे स्टॉल का कुछ बना दो मैचिंग में, मैं अब स्टॉल यूज़ नहीं करना चाहती। तो ये उनकी स्टॉल थी, ये देखो आप, ये उनकी स्टॉल, ये वेलवेट की स्टॉल थी जो ऐसी थी, इस पर ये वर्क दिया हुआ था स्टोन का और ये कटिंग्स थी। तो मैंने इसको एक कुर्ता बनाया, बनारसी फैब्रिक का मैंने इसमें फ्रंट पार्ट लगाया, ये मैंने इसमें बॉडी अटैच किया बनारसी कपड़े का, और जो स्टॉल वाला कपड़ा था उसको मैंने ऐसे ले लिया नीचे का पोर्शन बनाने के लिए, जो स्टॉल की एंडिंग्स थी उसको मैंने नीचे लगा दिया ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लुक दे, और मैंने फ्रंट राउंड नेक में बनाया है, अगेन मैंने बैक पार्ट पर वी नेक बनाया है, आजकल वी नेक बहुत ट्रेंड में है, तो इसी बनारसी फैब्रिक के मैंने स्लीव्स बनाई है, और जो स्टॉल वाला कपड़ा था उसका मैंने ये बॉर्डर लगा दिया। तो इस तरीके से ये मेरा कुर्ता बन गया। तो ये कुर्ता बन गया, और इसकी पैंट भी मैंने इसी फैब्रिक की बनाई हुई है जो इसके साथ काफ़ी अच्छा लुक देगी। ये देखो इसकी पैंट्स थी, ये पैंट है, साइड में जेब, तो ये पैंट मैंने इसके साथ पेयर कर दिया। अब ये बहुत ही सुंदर पार्टी वियर भी है और
आप इसको मतलब अब पुराना भी नहीं है और पार्टी वेयर में ये नया बन गया। तो इस तरीके से आपकी हैवी कोई भी वेलवेट की स्टॉल होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप इस तरह का कुर्ता पैंट बनवा सकते हो उसमें। एक और हैवी स्टॉल थी मेरे पास वेलवेट की ही, उसकी भी मैंने ऐसे ही एक कुर्ता निकाला है, ये देखो आप। ये कुर्ता यहाँ मैंने फ्रंट में कट बनाया है और ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट है और ये स्लीव्स। इसमें ये लेस दी हुई थी पहले से ही, आप देख सकते हो ये लेस। तो मैंने उस लेस को फ्रंट वाले हिस्से में ले लिया और फ्रंट स्लिट कट में इसको मैंने बनाया है। ये देखो, ये जो है यहाँ से आपका ये कट, नीचे का हिस्सा ये फ्रंट का है और ये बैक का है, ये आपका बैक। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी हैवी स्टॉल को कस्टमाइज करा करके आप कुर्ती बनवा सकते हो। इसके साथ लेगिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं गोल्डन कलर का, लेकिन ये पार्टी वेयर है तो इसके साथ स्कर्ट यूज़ हो रहा है, गोल्डन कलर का हमने स्कर्ट पेयर किया है। अगेन मैंने एक साड़ी से ड्रेस बनाई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी पूरी साड़ी ऐसी ही थी, ऐसी पूरी साड़ी थी। तो इस साड़ी का हमने तीन ड्रेस बनाया है। तो आप ये देखो, इस साड़ी से मैंने ये स्कर्ट बनाई, ये पूरे फुल फ्लेयर में है। ये फुल फ्लेयर में मैंने लहंगा बनाया हुआ है। इसमें मैंने, आप देखो, इसमें मैंने एक सेंटून की इनर लगाई है, फिर मैंने कैनकेन भी लगाया हुआ है और कैनकेन के नीचे मैंने एक और इनर दिया है जिससे कि ये आपको पैरों में लगेगी नहीं। तो ये पूरा राउंड फ्लेयर में है। ये स्कर्ट मैंने इसमें से निकाली, स्कर्ट क्या, ये लहंगा है पूरा और लहंगे की किनारियों को मैंने पीको करके बनाया हुआ है। ये देखो आप, तो ये आपका फुल फ्लेयर में ये स्कर्ट हो गई आपकी। ये काफ़ी हैवी है और इसका ब्लाउज भी मैंने बहुत ही सुंदर बनाया। ये इसका ब्लाउज, ये इसका ब्लाउज है, कट स्लीव में है, ये स्ट्रिप वाला ब्लाउज है। ये फ्रंट और ये आपका बैक, पैडेड ब्लाउज है ये, इसमें पैड लगे हुए हैं और ये साइड जिप से है। आप आराम से इसे इजीली साइड से ओपन करके वेयर कर सकते हो। तो ये मेरी उस साड़ी में से एक पहली ड्रेस निकली, ये मैंने पहला ड्रेस निकाला है उस साड़ी में से। अभी मैंने उस साड़ी में से दो ड्रेस और निकाली। ये मेरा लहंगा हो गया, फिर दूसरी ड्रेस मैंने निकाली है एक पेपलम कुर्ती। ये हाल्टर नेक में है, ये हाल्टर नेक, ये देखो आप, ये हाल्टर नेक में पेपलम कुर्ती है। तो ये आपका, ये बैक से ओपन होगा, बैक में जिप है, तो आप यहां से इसे पहनोगे और इसके साथ मैंने बनाया है इसी कंट्रास्ट कलर का प्लेन फैब्रिक का अम्ब्रेला लेयर वाला प्लाजो। ये देखो, ये है उसका बॉटम। मैंने ये वेस्ट पर इलास्टिक लगाई हुई है और डबल लेयर में ये शरारा है मेरा।
और इसके साथ मेरी ये कुर्ती। एक और ड्रेस मैंने निकाली है जो एक छोटी बच्ची का है, उसका भी सेम है, ये एक छोटा सा अम्ब्रेला ही टॉप। और सेम शरारा डबल लेयर में। तो ये मेरी साड़ी से निकल गई। तो इस एक साड़ी में से मैंने तीन ड्रेस निकाले। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तो तीन ड्रेस मैंने आपको दिखाई है, अभी और भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं, सभी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं और भी वीडियोस में उन्हें ऐड कर दूंगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।